नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिल्पा सिलाई सेंटर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक धान के बीज का झोला है, जिसमें ये 10 किलो का झोला है। 10 किलो कोई भी सामान इसमें आएगा, तो इसको हमें करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये चौड़ाई दिया हुआ है, 3-3.5 इंच का चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन नीचे देख सकते हैं कि यहीं पर ये सिलाई कर दिया गया है, ये दोनों को इकट्ठा करके। तो हम क्या करेंगे कि इस सिलाई को खोल के ऐसा ही एक चौड़ा पट्टी इसके नीचे सिलाई करेंगे, तो ये झोला बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इससे भी मजबूत हो जाएगा और बढ़िया रहेगा देखने में भी। नीचे की पेनी हम चौड़ा कर देंगे इसको। तो हमें करना क्या है कि इसको खोल देंगे तो ये पूरा चौड़े जैसा हो जाएगा। और हमें ये है हमारा 3 इंच का पट्टी, यहाँ पर नाप के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम टेप पकड़ेंगे, यहाँ देखिए 3.5 इंच का पट्टी है। तो हमें दूसरा एक बोरी लेकर इसमें से 3.5 इंच का पट्टी काटना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक बोरी है, इसको हम बीच से फाड़ लिया हूँ। तो इसमें हम 3.5 इंच का पट्टी काटेंगे। यहाँ पे ये पट्टी 3.5 इंच जितना वो है उतना ही पट्टी हम इसमें काटेंगे यहाँ पे। और लंबाई हमारा होगा, लंबाई जो चौड़ाई है वो झोले को हम माप लेंगे, चौड़ाई कितना है यहाँ से हम मापेंगे। तो ये जो इसकी चौड़ाई है 15 इंच, तो हम इसमें 15 इंच की चौड़ाई माप लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 15 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे भी हम 3.5 का निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा अधिक ही कटिंग करेंगे क्योंकि सिलाई भी करना होगा। ये हमारा कटिंग हो गया एक प्लेट। अब इसके नीचे ये जो झोले का पेनी है इसको खोल के, ये धागा खोल कर इसके नीचे सिलाई कर देंगे चारों तरफ से इसका पेनी। ये झोला बहुत मजबूत होगा, ये झोला कंपनी का है लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, जल्दीबाजी में इतना बनाया जाता है, इसको हम बढ़िया से बनाएंगे। चलिए इसको कैसे सिलाई करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिलाई उखाड़ दिया है, अब इसको हम ऐसे खुला कर लेंगे, ऐसे ये भी खुला हो गया। तो देख सकते हैं कि इसका चौड़ाई जो है इतना है। तो ये पट्टी हम यहाँ पे रख के, जो कटिंग किए थे पट्टी, इसको हम यहाँ पे ऐसे रख के इसको सिलाई करेंगे, बिल्कुल चौड़ाई में आ जाएगा ऐसे। तो इतना चौड़ाई में ये आएगा, इसको ऐसे पट्टी बना देंगे इसमें ऐसे, देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से सिलाई करते हैं। इस चौड़ाई को पहले हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे, अब यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। देख सकते हैं कि हमने ये सिलाई कर दिया नीचे का पेनी, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना चौड़ाई हो गया है। अब इतना बिल्कुल चौड़ाई हो गया है झोले का, नीचे भी चौड़ाई हो गया, साइड में भी चौड़ाई हो गया, दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है कि ये जो ज्वाइंट किए हैं हम, इसको हल्का सा इसको ऐसे मोड़ कर इस पर एक और सिलाई कर देंगे ताकि ये मजबूत हो जाएगा, इसी पर सिलाई करेंगे इस तरह मोड़ कर, और देखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल शानदार लगेगा, साफ सुथरा काम लगेगा। चलिए इसको मोड़ के सिलाई कर देते हैं।
देख सकते हैं कि कितना बढ़िया झोला सिलाई हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मोड़ कर हमने सिलाई कर दिया ताकि इसका किनारा जो है उखड़ेगा नहीं, और बहुत ही मजबूत हो गया, बहुत ही मजबूत। इतना मजबूत तो झोला कंपनी वाले भी नहीं देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये चौड़ाई भी इतना है, चौड़ाई जितना इसका पेनी हमने लगाया है उतना ही चौड़ाई साइड में भी है इतना। तो ये झोला 10 किलो क्या, इसमें आप 15 किलो भी सामान आराम से लेकर आ सकते हैं। और इसमें हैंडल भी है जो कंपनी का दिया हुआ हैंडल है। तो इस तरह आपका अगर आपके पास अगर कोई बीज का झोला आता है तो ऐसे आप बना सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।